तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्किप बीजीवी, मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को स्किप कैसे करें, क्या पॉसिबल है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो वहाँ पे मेनली जो पार्ट होता है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का होता है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हो वहाँ का कैसा इंफ्रा है ना, तो आप जान रहे होते हो उनको, और वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो आपको नहीं जान रहा होता है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं अपने नॉन कंपनी है गए और भाई फॉर्म वगैरह भरा, चलो जॉब मिल गई और कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो कंपनी का मेन पार्ट होता है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि आप जो चीज़ों को ना वर्बली बताते हो या सिर्फ हार्ड कॉपी में उनको देते हो, सिर्फ उस चीज़ से कंपनी कभी बिलीव नहीं कर सकती है कि नहीं आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चलो हम नहीं कराएंगे, आपने जो बताया वही सही है और आपने जो हार्ड कॉपी में मुझे दे दिया वही सही है। तो ऐसा नहीं होता है। हर एक कंपनी के प्रोसेस होते हैं, आपका इंटरव्यू होगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाएंगे, उसके पहले काफ़ी सारा मेल कम्युनिकेशन होता है, और आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे, आपको वेंडर्स के लिंक आएंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के, आप उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उसके बाद कहीं जाके आपको जॉब मिलती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को स्किप करा दूं अननोन कंपनी से, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टोटली बात करूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी की, जो अपने में एक बहुत बड़े ब्रांड है, उनकी अगर बात करूँ तो वहाँ पे बिल्कुल भी इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर आपके कोई जो नॉन है, कोई नॉन पर्सन है आपके, अगर वो उस कंपनी में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में फॉर्च्यून 500 कंपनी में अगर वो अंदर हेड की पोजीशन पे भी वर्किंग है, सपोज मैं मान के चलता हूँ अगर वो आईटी हेड की पोजीशन पे भी वर्किंग है, और आप अगर ये सोचो कि नहीं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्किप करा दें, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक कंपनी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन करता है या स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, उसके लिए जो मेन पार्ट है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का होता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्किप हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा ही, बस ये है हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें स्किप हो जाएं। वो डिपेंड करता है कंपनी पे, वो डिपेंड करता है वेंडर पे कि कुछ चीज़ों को स्किप कर दे। अब अगर आप ये सोचो कि नहीं आपके ग्रेजुएशन का बीजी भी ना हो, आपके एक्सपीरियंस लेटर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ना हो, आप ये सोच रहे हो, तो ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो होगा ही किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। वो बात अलग है जहाँ पे 2, 4 या 5, 10 एम्प्लॉय हैं, अराउंड 21 एम्प्लॉय के अगर अंदर हैं, तो नॉर्मली वो अपना ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो फिर किसी वेंडर के थ्रू नहीं कराते। तो वहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन स्टिल वो कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं। लेकिन एमएनसी कंपनी कभी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्किप नहीं करती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।